हम लोग वेट पॉइंट थ्री एक्सरसाइज कर रहे थे। इससे पहले भी हमने जो करी है एक्सरसाइज, ठीक है, किलोग्राम ग्राम्स में कन्वर्ट करना, किलोमीटर से मीटर, हेक्टोमीटर, ठीक है, डेकामीटर, तो ये सब चीजें हम क्या कन्वर्ट करते आ रहे हैं। तो ये भी हमारे 10.3 से रिलेटेड जो यूनिट्स है उसमें भी यही है कि 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं, 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं और 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं। एक हम छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि 10.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने कौन सा किया था, बी किया था, 12 क्विंटल्स कन्वर्ट इनटू किलोग्राम, हमने बी किया था। तो वापस एक बार देख लेते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 2 का बी किया था, 12 क्विंटल्स इज इक्वल टू कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। तो आपको पता है हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, ठीक है, 100 किलोग्राम। अब देखिए, आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जब 100 किलोग्राम होते हैं तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि क्विंटल कैसी यूनिट है, ठीक है, क्विंटल कैसी यूनिट है, बड़ी यूनिट है, ठीक है, इट्स अ ग्रेटर यूनिट, दैट किलोग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट, तो वी विल कन्वर्ट इनटू स्मॉलर यूनिट। ओके, तो नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आपका इधर आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 100 केजी, क्योंकि हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 12 बन जा 12। ये हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे टॉपिक में, ठीक है। तो आप इस तरीके से तो नहीं करोगे कि पहले 100 लिखा फिर मल्टीप्लाई करा रहे 12 से, ठीक है, तो फिर हमारे में फोर्थ क्लास के बच्चे में और सेकंड क्लास के बच्चे में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमें कैलकुलेशन का तरीका भी सीखना चाहिए। 12 बन जा 12 एंड 12 को इन दोनों जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है, ठीक है, तो हम 20 मेंशन कर देंगे, 1200 kg। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 1200 kg, इज दैट क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्विंटल को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, सी में डी देखिए, डी 1200 क्विंटल्स दिया हुआ है, ठीक है, क्विंटल्स दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, हम आपको टन्स में करना है, कन्वर्ट इनटू टन्स। ओके, तो अब हमें ये चेक करना है कि पहले, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 टन में कितने क्विंटल्स होते हैं। ओके, देखिए हमने ये देखा था कि 1200 क्वेश्चन है हमारा, 1200 क्विंटल्स इज इक्वल टू टन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि क्विंटल में आपको वैल्यू दी हुई है और हमें टन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब देखिए, टन स्मॉलर यूनिट है, सॉरी क्विंटल स्मॉलर यूनिट है और टन ग्रेटर यूनिट है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, 1 टन इज इक्वल टू 10 क्विंटल्स। ओके, 1 टन में कितने क्विंटल्स होते हैं, 10 क्विंटल्स होते हैं, ठीक है। तो टन कैसी यूनिट हो गई हमारी, ग्रेटर यूनिट हो गई। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 1 टन इज इक्वल टू 10 क्विंटल। 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं, 10 क्विंटल होते हैं, ठीक है। तो जब हम स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आप इसको किस फॉर्म में लिखोगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 क्विंटल इज इक्वल टू, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 10। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 10 टन, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि हमने 1000 के डिवाइड्स पढ़े हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि आप 10 की टेबल बोल करके देख रहे हो फिर 1200
डिवाइड कर रहे हो? नो, 1210 डिवाइडेड बाय 10। देखिए तो हमने 10 और 100 की पढ़ाई थे कि नीचे जितने जीरो होंगे उतने ही यहाँ पे जीरो का रिमाइंडर निकल जाएगा। नीचे 1 0 है तो 1 रिमाइंडर बाहर हो जाएगा। देखिए पढ़ा था ना हमने, तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया था 120। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हो, नीचे 1 0 है या तो आप वो वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज नीचे जितने जीरो है उतने डिजिट्स के बाद काउंट करके आप डेसिमल लगा दो। नीचे 1 0 है तो 1 digit after put the decimal zero, तो 120 टन हो जाएगा। ओके, ये हमारा आंसर रहेगा 120 टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई नंबर का, सॉल्व करेंगे हम। ई है 5 tons and kilogram। ठीक है, 5 tons कन्वर्ट करना है अब हमें किलोग्राम। देखिए अब तक आप ये पढ़ते आए हो कि 1 quintal में कितने किलोग्राम होता है, 100 किलोग्राम होता है, लेकिन अब ये टन से डायरेक्ट किसमें कह रहा है, किलोग्राम में कह रहा है। ठीक है, टन से किसमें कह रहा है, किलोग्राम में। तो आप ये देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 ton में पहले क्विंटल बताओ कितने होते हैं, 10 quintal होते हैं। ठीक है, 10 quintal होते हैं। ओके, और 10 quintal में यदि हम किलोग्राम फाइंड आउट करें तो कितने आएंगे, 1 quintal में, 1 quintal में कितने किलोग्राम होंगे, 100 किलोग्राम। ठीक है, तो अब हमें 10 quintal का निकालना है, तो 10 quintal में कितने हो जाएंगे, 1 quintal में 100 किलोग्राम, तो 10 quintal में क्या करेंगे, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 1000 किलोग्राम। ये एक बार मेरे से एक बच्चे ने, कामना ने मेरे से पूछा था कि 1 quintal में 10 quintal इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम क्यों लिखा हुआ है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 1000 किलोग्राम कैसे बना। 1 ton के अंदर 10 quintal होते हैं। ठीक है, ये भी यूनिक है, स्पेसिफिक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। 1 ton में 10 quintal होते हैं, तो 1 quintal में 100 kg होंगे, तो 10 quintal में कितने kg हो जाएंगे, 1000, क्योंकि 100 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, इसीलिए 1000 kg आ गया। तो अब हमें 5 tons को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 5 tons को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1000 में, क्योंकि 10 quintal में कितने किलोग्राम हो गए, 1000 किलोग्राम हो गए, तो 5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 1000 kg, तो इज इक्वल टू 5 × 5 and 3 0 एज इट इज, 5000 kg इज योर आंसर। ओके, सबसे पहले तो हमें ये समझ आना चाहिए कि 1000 kg बना कैसे। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट यदि 10 quintal में 1000 kg पढ़ते तो हमें नहीं समझ में आता, लेकिन अब आपको याद रहेगा कि 10 quintal में 1000 किलोग्राम होते हैं। ओके, तो 1000 कैसे बना, कि 1 ton में 10 quintal होते हैं। ठीक है, तो 1 quintal में कितने किलोग्राम होंगे, 100 किलोग्राम होंगे, तो 10 quintal में कितने होंगे, 100 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10 quintal में 1000 kg होंगे। ओके,